Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic tools or components of integrated pest management. सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो हम यूज़ कर सकते हैं. पहला है फिजिकल मैथड या मैकेनिकल मैथड, कल्चरल मैथड, बायोलॉजिकल मैथड, बिहेवियर मैथड, जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, लीगल मैथड्स, केमिकल मैथड्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड मैकेनिकल मैथड. उसमें सबसे पहला है फिजिकल मैथड. जब हम किसी फिजिकल फैक्टर को यूज़ करते हैं इनसे के कंट्रोल के लिए तो उसको हम फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल करते हैं कहते हैं. फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई केमिकल्स जो फेरोमोन्स जो पहले से एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके अगर हम लोग इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल कर रहे हैं तो फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल कहलाता है. जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जितने भी ट्रैप्स यूज होते हैं वो सब फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं. और जितना भी हम मॉइस्चर को कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर को कर रहे हैं, ये सारे मेथड्स जो हैं वो फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं. तो सबसे पहला है लाइट ट्रैप का इस्तेमाल. लाइट ट्रैप का इस्तेमाल जो है हम इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं. ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, रात में निकलने वाले इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. और लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, सर्वे करने के लिए, सीजनल इंसिडेंट्स देखने के लिए और मैनेजमेंट पर्पस के लिए. जैसे ही वो अट्रैक्ट हो जाएगा तो कलेक्टेड इंसेक्ट्स को हम इंसेक्टिसाइड डाल के किल कर सकते हैं. लाइट ट्रैप का इस्तेमाल जो है बट नेचुरल है कि हम लोग रात में करेंगे तो सबसे जो पीक पॉइंट होता है जिसमें इंसेक्ट पकड़े जाते हैं वो 8 बजे से लेकर 12 बजे 12 मिडनाइट का टाइम होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसी 7 बजे के आसपास हमको जो है फिट कर देना चाहिए और वो जो है लाइट्स वहाँ पर चलता रहेगा और इंसेक्ट अट्रैक्ट हो उससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मास ट्रैपिंग कर सकते हैं, मेटिंग डिस्टर्बेंस कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं. फिर डिफरेंट स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे इंसेक्ट जो है डिफरेंट कलर से अट्रैक्ट होते हैं तो हम अगर ये जानते हैं कि वो किस रंग से आकर्षित हो रहे हैं ये जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं उस रंग का एक उस पर ग्लू चिपका देते हैं और वहाँ पर इंसेक्ट आके चिपक जाते हैं. तो इस तरीके से स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. वो डिफरेंट कलर में करते हैं, वाइट कलर, येलो कलर. येलो कलर जो है वो वाइट फ्लाई एफिड्स जैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. वाइट कलर वाला जो है वो पिजन पी फ्लाई जैसे मेलानोमाइजा ब्रूसा को अट्रैक्ट करता है. ये 3 दिखाए गए हैं, येलो स्टिकी ट्रैप, वाइट स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप जो है वो थिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फिर दूसरा है मैकेनिकल मेथड्स. मैकेनिकल मेथड्स क्या होता है, जब हम लोग कोई मैनुअल फोर्स से या मैनुअल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं या किसी मैकेनिकल डिवाइस या मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकें तो वो कहलाता है मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल. जिसमें सबसे पहला है हैंड पिकिंग में जो बड़े बड़े लार्वा हैं, प्यूपा हैं, उनको हम हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं. ये एग मास कलेक्शन किया जाता है राइस स्टेमोरस सिल्कोफगन सेटरस के केस में, रेड हेरी कैटरपिलर के केस में. दूसरा हम नेट का इस्तेमाल करते हैं, हैंड नेट से जो हम कलेक्ट कर लें उसको और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दें. तीसरा एग्जाम्पल है आयरन हुक का इस्तेमाल किया जाता है राइनोसिरस बीटल को पोक करने के लिए. फिर नेक्स्ट है रोप पास किया जाता है, ये किया जाता है केस फॉर्म में. केस फॉर्म इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, केसेस बनाता है और उसके केसेस जो है ऊपरी हिस्से में लटकते हुए रहते हैं. तो जैसे हम रस्सी चलाते हैं वो केसेस जो है वो नीचे पानी में गिर जाते हैं और जैसे ही डिसलॉजिंग होगी वहाँ पर केरोसिन ऑयल डाल के हम उसको किल कर सकते हैं. तो एक मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल है. 3 बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं रैट्स के लिए. जो फ्रूट्स हैं, वैल्यूएबल फ्रूट्स हैं जैसे कि अनार हो गया और नींबू हो गया या सिट्रस फैमिली के और दूसरे फ्रूट्स जिसमें टूट सके मौत का अटैक हो सकता है, उस पर जो हम लोग क्या करते हैं बैगिंग करते हैं या रैपिंग करते हैं, पॉलीथीन बैग या मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट ना कर सके. अनार बटरफ्लाई में किया जाता है और ये ओथेरिस कोलानिका में यानी सिट्रस टूट सके मौत में किया जाता है. फिर ट्रेंचिंग का इस्तेमाल किया जाता है. ट्रेंचिंग जो है चारों ओर हम गड्ढा खोद देते हैं जिससे कि रेड हेरी कैटरपिलर माइग्रेट होकर एक फील्ड से दूसरे फील्ड ना जा सके. उसी तरीके से आर्मी बम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. फिर एक मेथड होता है शेकिंग. ट्री को हम लोग शेक करेंगे, हिलाएंगे जोर से तो बड़े बड़े जो ग्रब हैं, वाइट ग्रब हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, उसको हम लोग
कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है बैंडिंग। ट्री की बैंडिंग की जाती है, ग्रीस से कर देते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल एक्सक्लूजन कहते हैं। इसमें जो है हम लोग एल्केथिन शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बैंडिंग हम लोग कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, मिली बग्स जो है वो सॉइल में एग्लिंग करता है, तो सॉइल में एग्लिंग करके वापस चढ़ के वो अटैक ना कर पाए, इसलिए हम लोग बैंडिंग करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल मैथड्स का। ये कुछ फोटोग्राफ्स जो दिखा रहे हैं, पहला फोटो बैगिंग और रैपिंग को दिखा रहा है, फिर रो पासिंग को दिखा रहा है, हैंड नेट का इस्तेमाल, और मैंगो ट्री में जो बैंडिंग की जाती है उसको दिखा रहा है। फिर जो दूसरा मेथड है वो कल्चरल मेथड ऑफ कंट्रोल। कल्चरल मेथड ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जो भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की जाती है वो फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितने भी प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं वो सारी कल्चरल मेथड्स कहलाती है। अब इन कल्चरल मेथड्स को इस्तेमाल करके कैसे हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ये आता है, इसलिए हम लोग इसको एक IPM का टूल मानते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, सैनिटेशन, टिलेज इंटरकल्टिवेशन, कल्टिवेशन सेलेक्शन, टाइम ऑफ सोइंग, प्लांट पॉपुलेशन, मैन्यूअल फर्टिलाइजर, वाटर मैनेजमेंट, हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन। ये मेथड्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं कल्चरल मेथड्स में। तो सबसे पहला है सैनिटेशन। सैनिटेशन रखना ज़रूरी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो रेफ्यूजेस हैं जो पेस्ट के, और उन सबको हम लोग रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। जितने भी सीड मटेरियल्स हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर है, इन सारे चीज़ों को साफ सुथरा रखें, ताकि जो भी रेसिड्यूज प्रेजेंट है, हो सकता है उसका प्यूपा, हो सकता है कोई एग स्टेज में इंसेक्ट है वो डॉर्मेंसी में रखा हुआ है, डायपोस में है, कोई सेंट स्टेज में है, वो वापस जो है वो कंट्रोल वापस जो है वो अटैक करने लगेगा। इसीलिए सैनिटेशन रखना जरूरी है, ताकि हम लोग उसके होस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकें पूरी तरीके से। तो सैनिटेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट। फिर दूसरा है टीलेज एंड इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन। जितने भी टीलेज इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन है उससे क्या होगा, जैसे हम लोग प्लगिंग करते हैं, इंटरकल्टिवेशन करते हैं, क्वेसेंट स्टेज में जो है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको हम लोगों को डैमेज उसको हमको कंट्रोल कर सकते हैं इन सब मैथड्स यूज़ करते हैं। क्वेसेंट क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इंसेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है वो तुरंत फिर से एक्टिव हो सकता है। तो वो जब इनएक्टिव स्टेज में है तभी अगर हम उसको अलग कर दें, हटा दें, तो फिर हम उसको उस इंसेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो कौन कौन से टिलेज ऑपरेशन है, समर प्लविंग करते हैं, प्लविंग एंड होइंग करते हैं, ट्रिमिंग प्लास्टरिंग करते हैं, और अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता लीजेंस के लिए। फिर कल्टीवार सिलेक्शन। कल्टीवार सिलेक्शन में हमको या तो टॉलरेंट वैरायटी यूज़ करनी है या तो रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करनी है। डिफरेंट क्रॉप्स में या इंसेक्ट के लिए या डिसीज के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं, तो हमको ऐसे ही टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इंसेक्ट के अटैक को या डिजीज़ के अटैक को अवॉइड कर सकें। टाइम ऑफ सोइंग को चेंज करके भी हम बहुत सारे इंसेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सोइंग का एडजस्टमेंट जो है करके हम लोग, अगर मेज को हम लोग देर से लगाते हैं तो क्या होता है कि ट्राइकोग्रामा जो है वो पैरासिटाइज करने में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एक पैरासिटाइट, तो इसलिए थोड़ी देर से हम लगाएंगे तो फायदेमंद होगा। राइस में अगर हम लोग वो बोरर से अटैक कर रहा है तो हम लोग अगर थोड़ा पहले लगा ले, अर्ली जून में लगा ले, तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कॉटन्स की अर्ली मैच्योरिटीज जो हैं वो पिंक बॉलवॉर्म के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पहले लगाते हैं। तो इस तरीके से टाइम ऑफ सोइंग को कंट्रोल करके जो है हम लोग इंसेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। फिर है प्लांट पॉपुलेशंस। प्लांट पॉपुलेशंस को डाइवर्ट करके भी हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ सॉरी सोर्गम शूट फ्लाई दैट इज हेरिगोना सोकाटा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीड रेट, हायर सीड रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरीके से प्लांट पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है। फिर मैन्यूअल फर्टिलाइजर। मैन्यूअल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके भी हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन हम बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का हो जाएगा, बहुत सख्ती उसकी बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे पेस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं।
इसलिए हमको बैलेंस्ड डोज ऑफ फर्टिलाइजर डालना है। वहीं अगर हम लोग पोटाश डालते हैं तो पोटाश में डिसीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के गुण मौजूद होते हैं, तो वो इंसेक्ट और डिसीज को अवॉइड कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डोज ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, तो वो फायदेमंद होता है प्लांट हॉपर के लिए, राइस में ब्राउन प्लांट हॉपर, नीला पर्वता रीजन्स के लिए। फिर उसी तरीके से हम वाटर को भी मैनेज कर सकते हैं, इरीगेशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इरीगेशन पोटैटो क्रॉप में हम ट्यूबर फॉर्मेशन के समय करें तो हम लोग पोटैटो स्कैप को मैनेज कर सकते हैं। एंथ्रेग्नाज ऑफ बीन्स, अर्ली ब्लाइट, चारकोल रॉड, ये सब इन सब को जो हम लोग फरो इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन मैथड यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी में ऑफर फुलैला को हम लोग ओवरहेड इरीगेशन दें तो जो है उसकी एगलिंग को, उसकी मेटिंग को डिसरप कर सकते हैं। अगर हम लोग स्प्रिंकलर इरीगेशन डाल रहे हैं डायमंड बैक मॉथ, दैट इज पुटिल्ला, ज़ाइलोस्टेला, इन केस ऑफ क्रूसिफर्स, यहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट एप्लीकेशन मतलब रुक रुक कर अगर पानी देंगे तो मेटिंग और एगलिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट करके भी हम बहुत सारे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर पानी भर दें, हम लोग फ्लडिंग कर दें इरीगेशन में तो टर्माइट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक मेथड हो सकता है वाटर मैनेजमेंट का। फिर है हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन, अगर जहाँ हम लोग डाइवर्ट कर दें इंसेक्ट को, जिस क्रॉप पे वो अटैक कर रहा है उससे उसका ध्यान वहाँ से हटा कर दूसरी जगह लगा दें, तो जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या करता है, डाइवर्सिटी ऑफ एग्रो इकोसिस्टम को लेकर आता है, माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर देता है, और इन्फ्लुएंस ऑन द बिल्डअप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट पॉपुलेशन की बिल्डअप हो रही है उसको भी प्रभावित करता है। तो हैबिटेट डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पहला एग्जांपल है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सोर्गम के केस में अगर हम लोग रेड ग्राम लगा दें अल्टरनेट रोज में तो ईयर हेड बग, कैलोसोबोरेसिस एंगस्ट्रिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्गम में अगर काउपी लगा दें तो काइलोपर टेलस को कर सकते हैं। पिजन पी में सोर्गम लगाएं तो हेलिकोबर पारमोजेरा का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। चिक पी में वीट मस्टर्ड सैफ्लावर लगाएं तो हेलिकोबर्पा को कंट्रोल कर सकते हैं। काउ पी में मेज लगाएं तो ब्रुचिड्स कैलोसिब्रुकस चाइनेसिस या को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर केन में ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम लगाएं तो अर्ली शूट ग्रोथ। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इंटरक्रॉपिंग्स के जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ट्रैप क्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग क्या होता है कि मेन क्रॉप के चारों तरफ हम लोग कोई ससेप्टेबल क्रॉप लगा लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा इंसेक्ट या डिसीज या निमेटोड्स वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हीं में जो है हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेन फील्ड में है उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ता और जो अल्टरनेट होस्ट हैं उनमें हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके मेन फील्ड को एटलीस्ट बचा सकते हैं। तो ट्रैप क्रॉपिंग्स के एग्जांपल है, जैसे हम लोग डायमंड बैक मॉथ को कंट्रोल करना है तो मेन क्रॉप अगर कैबेज है तो ट्रैप क्रॉप के रूप में मस्टर्ड लगाते हैं स्पोडोप्टेरा के लिए। मेन क्रॉप अगर चिली है तो बॉर्डर क्रॉप के रूप में कैस्टर को लगाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है ट्रैप क्रॉपिंग उसके। फिर नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हमको नॉन होस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक अगर हम सीरियल के बाद सीरियल लगाएंगे तो सीरियल के जो पेस्ट हैं वो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट सीरियल है उसको भी प्रभावित करेंगे, तो इसलिए हमको हमेशा नॉन होस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग जैसे कॉटन के बाद भिंडी लगा दें तो भिंडी लगाएंगे तो एरियस विटेला, एरियस इंसुलाना, स्पॉटेड बोरर का अटैक जो है वो कॉटन में भी आएगा, भिंडी में भी आएगा। वैसे ही जो है हम लोग मेज के बाद सोयाबीन लगाएंगे तो भी वो रूट वर्म्स के अटैक जो है उस पर आएंगे। तो कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्रॉप रोटेशन में हमको हमेशा होस्ट के बाद नॉन होस्ट प्लांट लगाना चाहिए, नॉन होस्ट क्रॉप लगाना चाहिए, जिससे कि हम उसको अवॉइड कर सकें। तो ये कुछ सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। थैंक यू वेरी मच।